तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है मीडिया एंड आवर सोसाइटी। ये क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर सिक्स है सिविक्स का। मीडिया एंड आवर सोसाइटी, मीडिया का क्या मतलब होता है? तो मीडिया जो है वो एक लिंक है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। देखिए बेटा, मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकती है। तो दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनको ब्रॉडली, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में आता है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है आपका टीवी, मोबाइल फ़ोन, रेडियो वगैरह सब कुछ। आज जो हम देखेंगे प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया और वीडियो मीडिया, ये तीन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑडियो और वीडियो मीडिया। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स आते हैं। न्यूज़पेपर्स आपने देखा ही होगा, हिंदी के न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आते हैं और भी कई भाषाओं के न्यूज़पेपर्स आते हैं, जिनमें रोज़ क्या क्या हुआ इसका समाचार जो है हमको प्राप्त होता है। तो मीडिया का रोल आप इससे समझ सकते हैं सोसाइटी में कि हर एक आदमी की पहुँच जो है वो किसी न किसी मीडिया पे होती ही है, चाहे चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में मीडिया के ऑडियो या वीडियो मोड में हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी खबर को लोगों तक पहुंचाना हो, लोगों तक फैलाना हो, तो मीडिया का सहारा लेके वो कितनी आसानी से किया जा सकता है, कितने आराम से वो खबर जो है वो फैलाई जा सकती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंट मीडिया का। तो प्रिंट मीडिया जो है हमारे देश में आज आप मानेंगे आप 99 मिलियन न्यूज़पेपर की कॉपीज़ जो हैं वो छपती हैं। 2007 में 99 मिलियन 2007 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि भारत में हर रोज़ 99 मिलियन जो है न्यूज़पेपर की कॉपियां सारे न्यूज़पेपर ज्वाइन करके छपती हैं। ये एक ऐसा होता भी है बिकॉज़ इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं। तो जो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि जो मतलब न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, इनका सोसाइटी में रोल क्या है। ये बहुत सस्ते होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जो है 2 रुपये 1 रुपये में आ जाते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी को भी इसका एक्सेस होता है। तो अगर आपको मास एक बड़े मास को अगर आपको कवर करना है, बहुत ज़्यादा लोगों को अगर आपको कवर करना है, तो ये बहुत आसानी से हो सकता है न्यूज़पेपर की मदद से। बहुत सस्ता होता है, अवेलेबल होता है और सभी जगह जो है ये मिल जाता है। इवन गांवों में भी जो है न्यूज़पेपर मिल जाता है, जहाँ टीवी वगैरह की पहुँच नहीं है वहाँ भी न्यूज़पेपर की पहुँच है। अगला जो हमारा मीडिया है वो है ऑडियो मीडिया। ऑडियो मीडिया से आप समझते होंगे रेडियो, जिसको आप सुन सकते हैं। तो ऑडियो मीडिया का कोई और एग्ज़ाम्पल नहीं है, रेडियो ही है। टेलीविज़न के आने से पहले सारे लोगों का ये एक माध्यम हुआ करता था एंटरटेनमेंट का, चाहे न्यूज़ का। रेडियो जो है सभी के पास हुआ करता था, लोग सुना करते थे, इसमें न्यूज़ सुना करते थे, चाहे एंटरटेनमेंट जो है थोड़ा बहुत अपना किया करते थे। उसके बाद आया विजुअल मीडिया। तो विजुअल मीडिया ने जो है वो ऑलमोस्ट बदल के रख दिया पूरी सोसाइटी को, बिकॉज टीवी में सिर्फ हमको आवाज़ सुनाई नहीं देती है बल्कि पिक्चर भी दिखता है, जिससे कि क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि चीज़ें जो है वो कंफर्म हो जाती हैं। आज हमारे देश में 500 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं टीवी में। आप कह सकते हैं दूरदर्शन दिल्ली का जो ट्रांसमिशन था वो 1965 में शुरू हुआ और 1975 तक दूरदर्शन जो था वो सिर्फ सरकार की खबरें दिखाता था। लेकिन उसके बाद से दूरदर्शन का विस्तार हुआ, सोशल रिफॉर्म्स 1991 में आए और दूरदर्शन जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक बनने के रास्ते पे भी चल निकला। चलिए तो अब देखते हैं कि मीडिया का सोसाइटी में रोल क्या है। मीडिया का सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है,
लोगों को जो भी जानकारी है सरकार की, चाहे अपने आसपास होने वाली घटनाओं की, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों की, वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, तो वो मीडिया से ही मिलती है। चाहे वो प्रिंट मीडिया से मिले, चाहे ऑडियो मीडिया से मिले, चाहे विजुअल मीडिया से मिले, वो मीडिया से ही लोगों को हर एक जानकारी मिलती है। डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है? तो डेमोक्रेसी में मीडिया को चौथा पिलर बताया गया है डेमोक्रेसी का, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर गलत काम कर रही है, तो वो खबर जनता तक कैसे पहुंचेगी? वो खबर जनता तक मीडिया पहुंचाएगी और जनता फिर ये फैसला करेगी कि सरकार को रखना है या गिराना है। चुनाव के नतीजे तक जो है मीडिया के रिपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। मीडिया जो बताना चाहेगी, जो दिखाना चाहेगी, लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं और उसी के हिसाब से फैसला करते हैं। आज एक और मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, सोशल मीडिया। वो आपके बुक में नहीं है पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है ये मीडिया भी, तो इस मीडिया को भी जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी आ सकता है, जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज है, सिर्फ डेटा का चार्ज लगता है, और ये बहुत ताकतवर है। ये विजुअल मीडिया से भी ज़्यादा ताकतवर है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं ना कहीं इसने पीछे छोड़ दिया है और बहुत आगे निकल गया है। ये डेमोक्रेसी को खड़ा करने या डेमोक्रेसी को गिराने, दोनों स्थिति में जो है मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत तगड़ा होता है मीडिया का। तो होपफुली बच्चों, मीडिया का रोल आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, मीडिया कितने प्रकार का होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है डेमोक्रेसी में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आपको समझ में आया होगा। जो डाउट्स आपके रह गए हैं वो आप क्लैरिफाई करवा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट आपके हैं और उनको क्लियर किया जाएगा। इसके नोट्स जो हैं मैं आपको आगे एक साथ लिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।